हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आर यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग आज क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, बिकॉज ये हमारा चैनल है, मल्टी टॉपिक चैनल। मेरा मतलब इसमें काफ़ी सारी टॉपिक्स होंगी जो आपको देखने को मिलने वाली इस चैनल के वीडियो पे, ठीक है, वीडियोस पे। एंड मैं आपको टॉपिक्स भी बता देता हूँ, ठीक है। तो डांसिंग, कुकिंग और ड्राइंग, जनरल नॉलेज, क्विजेस एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो टॉपिक हमारे चैनल पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आई एम श्योर दैट आप एक बार हमारे वीडियो देखेंगे ना, जरूर चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को जरूर से एक लाइक दबा कर जाएंगे। ओके, तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज का टॉपिक होने वाला है ड्राइंग। जी हाँ, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक होगा ड्राइंग। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वीडियो। एंड यस, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। एंड वो जो नीचे जो दिख रहा है ना, ये लाइक बटन वाइट है ना, उसको इतना मारो उसको प्रेस कर दो कि वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ठीक है, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, हम आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स दिखाएंगे। अगर आप न्यू स्टार्ट किए हैं ड्राइंग, देन यू कैन यूज़ दिस मटेरियल्स। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ड्राई कलर्स, आफ्टर दैट अ बिट ऑयली कलर्स, एंड आफ्टर दैट मैट कलर्स। सिंपल एंड नथिंग एल्स। पर यस, मटेरियल्स मान लीजिए कि आपके पास बहुत महंगे महंगे मटेरियल्स, इसका मतलब नहीं कि आप हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना पाएंगे, बहुत टफ लेवल ड्राइंग बना पाएंगे। जी नहीं, आपके स्किल्स मैटर करते हैं कि आप कैसा ड्राइंग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ड्राइंग करते हैं तो हमको आउटलाइन करना रहता है। तो आउटलाइन के लिए क्या होता है, पेंसिल। तो पेंसिल इज द मेन थिंग। तो हेयर वी गो, एंड दिस इज द पेंसिल ऑफ स्केच एंड शेडिंग, ठीक है। तो मैं आपको सॉरी नाम छुपा दिया, 8 लाइंस का पेंसिल है ये, 6 शेड्स आते हैं इसके अंदर। तो इधर मैं लिखा हुआ है, देखिए एच बी, 2B, 3, 4B, 6B, 8B एंड 10B। मैं आपको पेंसिल्स भी दिखा दूँगा, पेंसिल्स तो नॉर्मल चीज़ होती है ना, दिखा सकते हैं, थोड़ी कोई बॉम है नहीं दिखा सकते। ये देखिए पेंसिल्स, इसके अंदर आपको कुछ ऐसी पेंसिल्स देखने को मिलेगी। मैं पूरा दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ये देख लो आप, है ना, इधर से भी नॉर्मल ही है ना, ठीक है। तो ये सब मेरे यूज मटेरियल्स हैं, आप इसको बाय भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ये यूज मटेरियल्स को नहीं, न्यू वाले मटेरियल्स स्टेशनरी शॉप पे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ना आपकी, ये कलरफुल बनाती है ड्राइंग को। जी हाँ, तो ये देखिए क्या, ये कलर पेंसिल्स। तो ये कलर पेंसिल्स जो होती हैं, दीज आर यूज टू मेक अ ड्राइंग कलरफुल। ओके, तो ये अगर मेरे पास 24 शेड्स का है, आप 12 शेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें 24 शेड्स आती हैं। अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे हैं, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ द स्टेडलर कैमेलिन की जो पेंसिल्स आती है, ये मेरे पास फेवर कैस्टल की है, ठीक है। तो अभी काफ़ी से अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं, पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला अच्छा है। ओके, आफ्टर दैट लेट्स मूव अ बिट ऑयली कलर्स की तरफ। ऑयली कलर्स मतलब ऑयल पेस्टल्स, ओ सॉरी उल्टा था, ठीक है, ऑयल पेस्टल्स जो होती हैं ड्राइंग के लिए यूज्ड। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है ऑयल पेस्टल्स, एज यू कैन सी, अच्छा है, ठीक है। तो ये होती है कैमेलिन की 12 शेड्स के पास। बड़े बड़े किट मत लीजिएगा, ये नॉर्मल कितने रुपीज़ के आते हैं मैं देख के बताता हूँ आपको। दिस इज़ आई थिंक पता नहीं चल रहा है, ओके हाँ इधर ही था, सॉरी 35 का आता है। बड़े बड़े किट लोगे 100-200 का आएगा, तो ये वाला लो 12 शेड्स का, बेटर एकदम। अभी बढ़ते हैं वेट कलर्स की तरफ। तो वेट कलर्स हैं मेरे पास, पहले तो आता है वाटर कलर। वाटर कलर इज़ द बेस्ट, सॉरी वाटर कलर्स इज़ द बेस्ट वेट कलर, ठीक है। तो ये है वाटर कलर्स, ओ सॉरी कैमेलिन का सबसे छोटा वाला पैक ऑफ वाटर कलर्स, दिस इज ऑफ 25 रुपीज़, बजट भी अच्छा है, यू कैन बाय इट। तो यहाँ पर इसको खोलते हैं, बहुत टाइट है, ठीक है, तो बदसूरत मुँह ख़राब कर दीजिए यहाँ से। देखो तो यह वहाँ पर आते हैं 15 शेड्स, एज यू कैन सी 15 शेड्स है ये। ओके, तो ब्रशेस, ये जो ब्रश आता है ये बहुत ख़राब होता है, देखो अब कितना लो क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का ही ब्रश है भाई, पर क्या इधर रखना पड़ता है, इधर उधर फेंक तो नहीं सकते ना, वरना आर्ट मटेरियल्स का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा ब्रो, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, एंड आफ्टर दैट लेट्स मूव अवे। तो अभी ब्रशेज जो मैंने आपको घटिया क्वालिटी का, तो हम पेंट कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम, ब्रशेज भी हैं। या दोस्तों, दीज आर द ब्रशेज ऑफ फेवर कैस्टल,
एंड मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, देखिए मैं इसमें कुछ ब्रशेस ऐड कर दिए, देयर आर माय यूज्ड मटेरियल्स। तो अगर आप ये फेवर कैसल का ब्रशेस खरीदते हो देन आपको मिलता है ये वाला ब्रश, ये वाला ब्रश, ये वाला ब्रश एंड ये वाला ब्रश, ठीक है। मैंने ये जो मैंने रखा है उंगली, इनको मैंने ऐड किया है, ये वाला नहीं किया है, ठीक है। तो इसका बजट मैं आपको बताता हूँ 70 रुपीज़ है, ठीक है, 4 ब्रशेज 70 रुपीज़, अच्छा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर मेरे पास ना ये कुछ ट्यूब्स भी रखे हुए हैं, ठीक है, वाटर कलर ट्यूब्स, देख सकते हो आप, ठीक है, दिस आर सम ट्यूब्स। अभी इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, पर इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है वाटर कलर्स के मुकाबले, ठीक है, हमको दिख रहा होगा, आई मीन, ठीक है। तो अभी हमको दिखा भी दूंगा कैसा है ये ट्यूब्स, एक सेकेंड। तो ये है वो ट्यूब्स, देख लो भाई आप, ऐसे होते हैं ट्यूब्स। पर इसको आप बड़ा बड़ा सीनरी या फिर अगर आप ब्रश पेंटिंग कर रहे, आई मीन नाइफ पेंटिंग कर रहे हो, देन दीज ट्यूब्स आर लाइक यूजफुल फॉर यू, ठीक है। तो अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ, एंड इसके साथ हमको चाहिए होता है एक पैलेट। उससे पहले मैं इसका आपको रेट भी बता देता हूँ, 12 शेड्स का ये, इसका रेट है 100 रुपये, 100 रुपीज़ का, इससे सस्ता है ये, पर इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्वालिटी वाइज लेना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, इसके लिए चाहिए पैलेट, पैलेट चाहिए होता है इसके लिए, जिसमें आप जो क्यूब टाइप होता है ना, पेस्ट टाइप, उसको आप इधर रखोगे, फिर उसके अंदर वाटर मिक्स करोगे थोड़ा सा, एंड आफ्टर दैट यू कैन पेंट। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको 3 चीज़ों का कॉस्ट पड़ता है। अगर आप ये ट्यूब्स लेते हो तो आपको एक चाहिए पैलेट, एक चाहिए ब्रशेस, एंड यू नीड दिस ट्यूब्स। तो आपको इसका खर्चा पड़ने वाला, पर अगर आप इसको लेते हो तो आपको पैलेट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पैलेट यही है, ठीक है। तो ये चाहिए एंड यू जस्ट नीड दिस ब्रशेस, दैट मच, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आई मीन दिस वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड डिसलाइक मत करना भाई, डिसलाइक कर, अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है। एंड आप कमेंट में बताना मुझे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड और कुछ भी मटेरियल्स तो आप मुझे बताओ, मैं उनको आपके आपको आपके सामने डिस्प्ले करूँगा। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर न्यू हो, तो तब तक के लिए गुड बाय।